पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। शहंशाह, आज ना हम आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने बापू साहब को मुक्त कर दिया, ना आपसे पूछने आए हैं कि आपने उन्हें क्षमा क्यों किया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपने हमें ताना क्यों नहीं मारा, नाराजगी क्यों नहीं दिखाई, हमें दंड क्यों नहीं दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और आप चुप है। आपकी ये चुप्पी हमें चुभ रही है। हमारी बहन शिवानी ने देवर जी का दिल दुखाया। हम चाहते हैं कि आप हमें दंड दीजिए। चिल्लाइए हम पर, चीखिए हम पर, क्रोधित होइए, परंतु उस तरह से चुप मत रहिए। आपका ये मौन भीतर ही भीतर हमें खाए जा रहा है। शहंशाह, सही कहा आपने जोधा बेगम, कि खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है ना। क्या आप जानती हैं, निकाह के वक्त जब हमारा भाई इंतजार कर रहा था वो खामोश था। क्या आप जानती हैं कि जब उसे पता चला कि आपकी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है वो तब भी खामोश था, और वो बेचारा अब भी खामोश है। लेकिन उसके अंदर की जो आग है, जो दर्द है, वो नींद में उसकी बहती हुई आंखों ने हमें बता दिया। रही बात आपको सजा देने की, चौधा बेगम, तो उसके लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, मगर हम असल गुनहगार को सजा देने में यकीन रखते हैं, और असल गुनहगार आपकी भागी हुई बहन शिवानी और उसका आशिक तेजवंत है। क्या लगता है उन्हें चौधा बेगम कि वो हमसे बचकर भाग निकलेंगे? मगर सतनत इतना बड़ा है और हमारे हाथ इतने लंबे कि हमसे बचकर भागने के लिए उनके पैरों के नीचे से जमीन कंप जाएगी। उन्होंने हमारे खानदान और मुगल सल्तनत की रसवाई की है, हमारे भाई का दिल तोड़ा है। उनके गुनाहों के लिए हम उन्हें सजा देकर रहेंगे चौधा बेगम। हमारे सिपाही निकल चुके हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और वो उन्हें बहुत जल्द गिरफ्त में लेकर हमारे सामने लाएंगे। बस बहुत जल्द वापस आ गए गुलफाम। हुजूर, आपने कैसे पहचाना कि ये मैं ही हूँ? कैद बहुत कुछ सिखा देती है, या ना कोई देखने को मिलता है ना सुनने को, हवाओं की सरगोशियां भी पढ़नी आ जाती हैं इंसान को। खैर वो छोड़ो, ये बताओ कोई खास खबर लाए हो? हुजूर, मालूम चल गया है कि शाही महल में अबुल मालिक का मोहरा कौन है। जल्दी बताओ। अबुल मालिक के हरम की कनीज। कागज कलम लाए हो? जी। ये जल्दी से जाकर जोधा बेगम को दे दो, फौरन। नजीर, शुक्रिया। महामंगा, जलाल को क्या हो गया है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने राजा भारमल को रिहा कर दिया। बाइज्जत बेगम रुकैया, आप बाइज्जत कहना भूल गई। जलाल ने राजा भारमल को बाइज्जत बरी ही नहीं किया, आमेर जाने की इजाजत भी दी। गुनहगार कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए, ये जलाल का कायदा था। लेकिन राजा भारमल के साथ पता नहीं जलाल को क्या हो गया। आदम खान उनके दूध भाई, लेकिन उनके गुनाह की सजा जलाल ने उन्हें बराबर दी।
शरीफुद्दीन उनके बहनोई आज भी कैद में सजा काट रहे हैं। बख्शी भक्त जलाल की बहन, अपनी बहन के साथ जलाल इतने खफा है कि उन्होंने मिर्जा हाकिम के निकाह में शरीक होने की इजाजत तक नहीं दी उन्हें। लेकिन बेगम जोधा का मामला थोड़ा अलग है बेगम रुकैया। उनके वालिद को जलाल ने ना ही बाइक से बरी किया बल्कि आमिर जाने की इजाजत दे दी। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि जलाल के करीब जा रही है बेगम जोधा, उनकी खास बनती जा रही है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ करना होगा। लेकिन क्या बेनजीर? आपके सवाल का जवाब बेनजीर? जी हाँ शहंशाह, मिर्जा को देख के लगता है कि आप ही की परछाई खड़ी है। अदगा साहब वो हमारे ही भाई है, हमारे एक हिस्सा, और हमें यकीन है कि हमारी ही तरह इतिहास के पन्नों में अपनी फतह दर्ज करवाएगा। हमें नजरअंदाज करके इस बच्चे को जंग पर भेज रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हमने सोचा था कि शहंशाह को बेनजीर के विषय में बताएं, परंतु ना तो हमें समय मिल पा रहा है, युद्ध सर पर आ गया है और शहंशाह बहुत क्रोधित भी है। अभी शांत रहिए जोधा, अभी सही अवसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, आपने मैं याद फरमाया? हाँ जलाल, वैसे तो हम सियासी मामलात में दखल नहीं देते बेटा, अटका खान और महामंगा तुम्हें बेहतर सलाह देते, लेकिन फिर भी मिर्जा को जंग पे भेजने का तुम्हारा फैसला हमें समझ नहीं आया। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? आपको ऐसा क्यों लगता है मम्मी जान, हमें बताएंगे? क्योंकि शिवानी के सदमे से मिर्जा अभी तक बाहर नहीं आ पाए, उसे अपने आप को संभलने का कुछ वक्त चाहिए बेटा। तुम दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हो, लेकिन मिर्जा वो दिल को ज्यादा तवज्जो देता है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है बेटा। हमेशा अगर आपको मिर्जा की फिक्र है तो हमें भी है, और आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि वो हमारी तरह नहीं है, लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उसकी रगों में भी मुगल खून दौड़ता है, और एक मुगल के लिए शमशीर और जंग से बड़ा जुनून किसी में नहीं, मोहब्बत में भी नहीं। और आज उसकी हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसके लिए रिश्ता हमने ही तय किया था, तो उसके गम को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। मोहब्बत के दर्द और गुस्से के गुबार को मिटाने के लिए ही हम उसे इस जंग पर भेज रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो हमारे इस फैसले पर खरा उतरेगा। खैर, अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं अम्मी जान, क्योंकि हमारे सामने बहुत सियासी मामले हैं, इसलिए मैं इजाजत दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आइंदा कोई मुगल सत्ता के सामने अपनी नजर उठाने की गुस्ताखी ना कर सके। आगे आओ मिर्जा, इस जंग के लिए हम तुम्हें खुद तैयार करेंगे। तुम्हारा हुक्म है कि तुम दुश्मन को चीर कर सकते हो और उनका ताव तुम्हें रोक ना पाए। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश और हुक्म की तामील होगी शहंशाह। और हम चाहते हैं कि जब तुम वापस लड़ो तो तुम्हारे कंधों पर फतेह हो और तुम्हारे कदमों में बाकी का सर। बेशक शहंशाह, आपके फौज के सिपह सलार होने के नाते हमें यह हक नहीं, लेकिन आपके छोटे भाई होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या हुआ है आप? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना बेचैन कर रखा है? कुछ समझे नहीं। हम इस जंग में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने दिलो दिमाग से अपनी नाकाम मोहब्बत की खिर्च मिटा सके, मगर आप ये जंग क्यों कर रहे हैं भाईजान? आप किसकी मोहब्बत को भुलाना चाहते हैं? किसने कहा तुमसे ऐसा? आपके चेहरे ने भाईजान, हम सालों आपसे मिले नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप जब भी जंग का ऐलान करते हैं आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं गुरूर होता है। नजर उठाकर तक भी नहीं देखा हमारी ओर जलाल। आदम खान जिसने मालवा जीती, उस आदम खान पर इतना यकीन नहीं कि चंदेरी के पठानों को दबा सके,
हमें तो लगा था कि हम इस जंग में फतेह पाकर मुगल सल्तनत की शान को बढ़ाएंगे। नहीं, जलाल ने हमें मौका तक नहीं दिया। अम्मी जान, भाई मिर्जा हाकिम को भेज दिया जो खुद मोहब्बत का जख्म खाकर बैठा है, उसको भेज दिया। वो क्या लड़ेगा किसी से अम्मी जान, वो क्या मारेगा किसी को। गलत फहमी हो रही है आपको आदम खान। शेर जब जख्मी हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाता है। मिर्जा हाकिम इस वक्त जख्मी शेर, मौत बनकर टूटेंगे वो दुश्मनों पर। जलाल में खूबी है जो आपको भी सीख लेनी चाहिए आदम। जलाल जिसका भी दामन थामते हैं उसके आखिरी वक्त तक वो उसको सहारा देते हैं। जलाल मिर्जा हाकिम को इसीलिए जंग पर भेज रहे हैं ताकि उनके जहन से नाकाम मोहब्बत का मातम हट जाए। उनके साथ काबिल मान सिंह और तजुर्बेकार गुनाम खान भी फतेह यकीनन मिर्जा हाकिम की होगी और इससे उनका खुद पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। नाकाम मोहब्बत का सदमा फतेह के जश्न में दब जाएगा। रही बात आपकी आदम, तो ऐसी बात नहीं है कि जलाल का आप पर ध्यान नहीं है। इम्तियाज खान के साथ लड़कर आपने मुगल सल्तनत की इज्जत को बचाया है और इस बात को जलाल कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, ये बात और है कि उनके दिलो दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है ये हम आपको नहीं बता सकते। ये तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा। सलाम शहंशाह, क्या जोधा बेगम को खबर करे कि आप यहाँ आए हैं? नहीं, बल्कि रुके बेगम को पैगाम भेजना कि आज रात हम उनके साथ बिताएंगे। जब हमारे पास दिल ही नहीं है तो फिर ये गुस्सा, ये दर्द, ये जलन क्यों महसूस कर रहे हैं? सलाम शहंशाह, आपने याद फरमाया। अदगर साहब, जिस तरह हमने अदम खान को नजरअंदाज करते हुए चांदनी की बगावत रोकने के लिए मिर्जा हकीम को चुना, शायद वो बहुत लोगों को गलत लगा, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमने अपने भाई को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि हम जंग के शोर से उसके दिल की खालिश को खत्म कर देना चाहते हैं। आपने बजा फरमाया हुजूर, मिर्जा के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। मिर्जा एक काबिल सिपाही है, वो जब रियाज करते हैं तो उनका फन देखने के काबिल होता है और हमें यकीन है कि मैदान जंग में भी वो दुश्मनों से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लेंगे। शुक्रिया अदगर साहब, उस भरोसे के लिए जो आपने हम पर और मिर्जा हकीम पर दिखाया है। तो इजाजत है हुजूर? फिलहाल नहीं अदगर साहब, अभी अभी आपसे दो काम और बाकी हैं। हुक्म करें शहंशाह। पहला, बाज बहादुर फिर से अपना सर उठा रहा है। हम चाहते हैं कि आदम खान को उसकी बगावत रोकने के लिए भेजा जाए। अगर हम चाहते तो आदम खान को ही चांदेरी की बगावत रोकने के लिए भेज सकते थे, लेकिन हमने उसे बाज बहादुर के लिए बचा कर रखना चाहा। बेशक शहंशाह, आदम खान को मालवा का तजुर्बा भी है और यकीनन उनकी फतेह होगी। और दूसरी बात शहंशाह? दूसरी बात अदगर साहब, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जो काम हमने आपको सौंपा था। जी हुजूर। पहले आपने जो पहली हमसे पूछी थी उसके हर एक पंक्ति के पहले अक्षर को जोड़कर हमारा नाम बन रहा था जोधा अम्मी। अब आपने हमसे पहली पूछी है परवरदिगार आप जो कहें वो सही, आपको हमारा सलाम। तो इसमें परवरदिगार का प, आप जो करो वो सही का अ, आपको हमारा सलाम का आ पा। ये कैसा शब्द हुआ रहीम? अगर ना आप हमारे जैसे में जरूरी तो नहीं, इस बार भी हम पहले के लफ्ज जुड़े, इस बार उल्टा है। परवरदिगार का र
आप जो करे वो सही का ही आपको हमारे सलाम का माँ रहीम रहीम हमारा नाम। अरे वाह, हार गई छोटी अम्मी जान, हार गई। देखा मोती, बचपन कितना अच्छा होता है ना, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, बस खेलना कूदना। हर बार हमारे सामने कोई न कोई पहेली लाके रख देते हैं रहीम। पिछली बार भी जब देवर जी आए थे, बेनजीर के पत्र की बात कर रहे थे, तब भी रहीम, हमें भी लगा कि बेनजीर मुसलमान है, लेकिन फिर वो अपनी माँ को अवधी जुबान में क्यों पैगाम भेजती है? का कहूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी, अनबन मोसे काहे जी, भीतर बसी हूँ जब तुम हुई हुई क्यों मैं बेगानी जी। मोती जल्दी धराओ, इस पत्र में बेनजी ने कोई संदेशा छिपाया हुआ है, हमें खोजना है कि वो क्या है। जरा देखो, हम पहले पंक्ति के आखिरी अक्षर को जोड़कर देखते हैं। जी जी म जी हे जी के री, नहीं इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पहले अक्षर को जोड़कर देखते हैं। काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी हुआ नहीं है। जलाल हमारी बात सुनिए। शुक्रिया बेगम, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे, अभी हम कुछ कहना है सुनना नहीं चाहते, हम आपसे बाद में मिलेंगे। मगर जलाल, शहंशाह ने रुकैया बेगम तक की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे। परंतु हमें प्रयास करना होगा। शहंशाह का क्रोध सहन कर सकते हैं हम, परंतु उनके प्राणों पर संकट नहीं। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें यकीन है जोधा बेगम, जब हम रुकैया बेगम से बात कर रहे थे आप यहीं थी, और हमें यकीन है कि आपके कान में इतने दुरुस्त हैं कि आपने सुना होगा जो हमने उनसे कहा। हाँ, परंतु बात ही कुछ ऐसी है कि जोधा बेगम, हम बात फिर से दोहराते हैं, अभी हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। हमें क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु हमें आपको बेनजीर के विषय में कुछ बताना है। यही ना कि बेनजीर अबुल मालिक के हरम से है, उसकी कनीज है, और हमें उससे खतरा हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं जोधा बेगम, की बेनजीर के साथ 19 बांदियां और आई थी, और बेनजीर के साथ हमारी नजर उन 19 बांदियों पर भी है। शहंशाह, जोधा बेगम, बेनजीर को आपसे कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपसे कहीं गुना ज्यादा वक्त हमने उनके साथ बिताया है। अबुल मालिक से जल्द पूछताछ की जाए, और जरूरत पड़ने पर सख्ती अपनाई जाए। जोधा, अबुल मालिक तो पकड़ा गया, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता हमें बेनजीर के विषय में सोचकर हो रही है। मोती, समझ नहीं आता कि शहंशाह को बेनजीर का नाम लेने से हो क्या जाता है। अवश्य कोई वशीकरण की विधि जानती है वो, तभी तो शहंशाह उसके विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हम शहंशाह की पत्नी हैं, उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, परंतु हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इस विषय में हम करें तो क्या करें। सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और ये बेनजीर है क्या? एक नृत्यांगना, एक दासी ही ना, और वो ये सब कुछ कर रही थी अबुल मालिक के निर्देशों पर। अब जब अबुल मालिक स्वयं ही बंदी गर्म है, तो फिर चिंता किस बात की? अब वो शहंशाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और क्या पता अबुल मालिक की ये हालत देख के वो खुद यहाँ से भाग जाए। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। शहंशाह, आज रात्रि हम शिवरात्रि की पूजा रख रहे हैं। ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जोधा बेगम, मुझे कोई भी हो, हमारे भाई के साथ जो हुआ इसके बाद आपके मन में चुआई करिए। अपने बापूसा की ओर से कितनी बार हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं शहंशाह। माफी मांगने से गुनाह मिट नहीं जाता है जोधा बेगम, हमने आपको कह तो दिया है ना, जो मन में आए करिए। ये व्रत अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। विवाह से पूर्व मासा ने हमसे वचन लिया था कि हर वर्ष शिवरात्रि का व्रत हम आपके लिए रखें। पहली बात जोधा बेगम, हमारी फिक्र करना बंद कर दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात,
हमारी हिफाजत के लिए हम पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते। और तीसरी आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब आप हमें शौहर मानते नहीं तो फिर ये ढकोसलीबाजी करने की जरूरत क्या है? हम मानते हैं कि पूरे हृदय से हमने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु ये भी सच है कि आपके जीवन की रक्षा के लिए हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मासा ने हमसे वचन लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि भले आपको लगता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम हैं, पता नहीं कब आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। और ऐसे में शिव आपकी रक्षा करेंगे। सुनो, आज रात किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं, कितनी भी जरूरी बात हो, कितना भी जरूरी मसला हो, शहंशाह के आराम में खलल नहीं डाला जाएगा। और हाँ, अगर कोई पूछेगा तो उनसे कह देना कि शहंशाह आज अपनी बेगम खास के साथ आराम फरमा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब से लेकर सुबह होने तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जहन में से तमाम परेशानियां निकल जाएं और आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए। आइए हम आपके सिर में मालिश कर देते हैं। हे महादेव, आप और माँ गौरी का संबंध अमिटता का प्रतीक है। हमारे संबंध की भी रक्षा करना प्रभु, हमारे सिंदूर की रक्षा करना, शहंशाह पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गौरी शंकर। बेनजीर क्या कर रही है यहाँ अकेले? कहीं किसी से मिलने तो नहीं आई? पर किससे? अबुल माली तो बंदी गृह में है। हम तुम्हें डस के रहेंगे।
जोधा बेगम, आप शायद भूल रहे हैं कि आज भी आपसे पहले जलाल की खास हम है। हाँ है, परंतु हम भी उनकी बेगम है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप हमारी जगह आसानी से ले लेंगे? ये आपकी गलतफहमी है जोधा बेगम, हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, जलाल हमारे पास खुद अपनी मर्जी से आए और उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें तंग ना करे, वो सो रहे हैं, तो आप जा सकती हैं। और हाँ, कल अगर उनके पास वक्त होगा तो आपकी बात सुन लेंगे। हमारे पास कल तक का समय नहीं है रुकैया बेगम। इतनी भी क्या खास बात है, हमें बताइए। बहुत बड़ी बात है, हम केवल शहंशाह को बता सकते हैं। तो फिर आप अपने वालिद या अपने भाईजान का क्यों नहीं बता देती? पैगाम भेजिए उन्हें या हमें बता दीजिए, या फिर कल तक शहंशाह का इंतजार कीजिए। बस कुछ ही पल की बात है, हमें शहंशाह से मिलकर बात करनी है। शरीफुद्दीन जी ने हमें बताया है। अच्छा, तो अब आप अपने हरम से निकलकर कैद खाने तक पहुंच गई। शहंशाह और आपका गुनहगार गद्दार शरीफुद्दीन अब आपका भरोसेमंद बन गया है। वाह, जिसे शहंशाह ने काल कोठरी में बंद किया है उससे आप वहाँ मिलने गई थी, बहुत खूब। क्योंकि उन्होंने हमें संदेशा भेजा था, शहंशाह के प्राण संकट में है रुकैया बेगम। वाह, शरीफुद्दीन की बात आपने मान ली, लेकिन हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जलाल को असली खतरा किससे है, जो सबके सामने शहंशाह और मुगल सल्तनत की इज्जत और शान ले सकता है, वो उनकी जान भी ले सकता है। अगर जलाल को खतरा है तो आपसे, आपके खानदान से, और उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, आपको उनसे दूर किया जाए। आप समझ नहीं रही रुकैया बेगम, हम आपकी बात अच्छे से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप मलिकाए खास बनना चाहती हैं, हमारी जगह लेना चाहती हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज तक हम आपको नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब रुकैया बेगम खड़ी है अपनी जगह और अपने शौहर दोनों की हिफाजत करने के लिए। दीवार बनकर खड़े हैं हम आपकी राह में जोधा बेगम। अब हम किसी कनीस को भी जलाल की बेगम बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। परंतु आप हम पर इतना क्रोधित क्यों है? हमने ऐसा क्या किया है? आपने जलाल के दिमाग में घुसने की गुस्ताखी की है, आपने उनके दिमाग पर काबू पाने की हिमाकत की है, और ऐसी हिमाकत की एक ही सजा है, आपको इस महल से बाहर निकाल फेंका जाएगा, और वो हम करेंगे, ये हमारा दावा है आपसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।